हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये टोनिका सिटी के आसपास का ये रोड का वीडियो है। अभी ये रोड पर देखो किस तरह से पानी भर चुका है। अब हालात ये हो गए हैं कि लोनी में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है और अब पानी लोनी में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार है। टोनिका सिटी के नवादा, मीरपुर, बदरपुर, सुंगरपुर, अल्लीपुर, सुभानपुर, नौरसपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और इन गांवों की तो स्थिति ऐसी है, आप वीडियो में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से गांवों में स्थिति बन चुकी है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये जो आप सामने कुर्सी रखी हुई है, ये एक मकान की छत है और ये मकान पूरा डूब चुका है। और इसी तरह से दूसरे गांव भी, ये जो मकान आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरी कॉलोनियाँ जो है, पूरे गाँव डूब चुके हैं, जिसमें टोनिका सिटी है, नवादा है, मीरपुर है, बदरपुर है, सुंगरपुर है, अल्लीपुर है, सुभानपुर, नौरसपुर, ये पूरी तरह से गांव जलमग्न हो चुके हैं और स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह हो रही है। और ये अलीपुर का जो पुस्ता है उसके टूटने से स्थिति ज़्यादा खतरनाक हुई है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि अलीपुर में जो पुस्ता है वो उसका कटाव बराबर पानी बहुत तेज़ी से चल रहा है और वो काफ़ी चौड़ाई हो गई है और ये जो पुस्ता है इस पे पुस्ते के बराबर पानी आ गया है और जैसे ही पुस्ते को पार करेगा पानी तो उसके बाद ये पानी सीधा लोनी में घुस जाएगा। अब देखना ये होगा कि आज हथनीकुंड बैराज से पानी तो नहीं छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जाता है, अगर हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा गया तो यहाँ स्थिति और ज़्यादा भयानक हो सकती है। हालांकि इसे पुस्ते को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं इसमें, लेकिन जिस तरीके से ये बंद किया जा रहा है आपको मैं दिखा दूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं कि ये जो पत्थर डाल रहे हैं इससे, इस तरह से ये बंद नहीं होगा और स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जाएगी।